नमस्कार, जन की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। कोरोना वायरस 2.0 देश में हाहाकार मचा हुआ है इस गंभीर महामारी से। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, हर कोई इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, हर कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से हल निकल जाए ताकि इस कोरोना महामारी पर ब्रेक लग सके। ये जो स्प्रेड लगातार फैल रहा है इस पर ब्रेक लग सके। आज बात इसलिए हम कर रहे हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना को लेकर रोजाना नए अपडेट आ रहे हैं, वो तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार आपको बताता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस कोरोना को लेकर कितना सख्ताई दिखा रहा है और कितना सख्त है, केंद्र सरकार से किस तरह के सवाल पूछ रहा है, राज्य सरकार से किस तरह के सवाल पूछ रहा है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करूं, मेरे सहयोगी पारुल भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपके सामने तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी रखेंगी। उससे पहले कुछ तथ्य एक रिपोर्ट के मुताबिक वो आपको बता देती हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से सख्ती से निपटने की बात की है और कहा है कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार हमें ये बताए कि उसका चौतरफा प्लान क्या है, यानी कि नेशनल लेवल पर प्लान क्या है। इसमें पहला सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से कि ऑक्सीजन की सप्लाई, और दूसरा ये था कि दवाओं की सप्लाई का क्या है। ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज्यादा जरूरी है पारुल, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर ही इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं ऑक्सीजन के जो वाहन है यानी कि जो गाड़ी लेके आती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनको रोक दिया जा रहा है। कल हमने नासिक में देखा कि कितना बड़ा हादसा हो गया लीकेज की वजह से, इतना वेस्ट हो गया ऑक्सीजन की, आगे जो अस्पताल में मरीज भर्ती थे उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और 22 लोगों की जान चली गई। दूसरा है दवाओं की सप्लाई, ये कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे 2 दिन पहले और देश को संबोधित किया था और कहा था कि दवाइयों का जो उत्पादन है वो और ज्यादा देश में बढ़ा दिया गया है जनवरी से। तो दवाइयों का क्या है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा है कि वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया क्या है। वैक्सीन को लेकर बहुत बात होती है, वैक्सीन आखिर क्यों लगवाई वैक्सीन और आखिर क्यों लगवाई जानी चाहिए वैक्सीन, ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम जनता के मन में है। वैक्सीनेशन की अगर प्रक्रिया की मैं बात करूं तो जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनकी, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दूसरी डोज भी मिल चुकी है। 45 साल के जो लोग हैं उनको भी मिल चुकी है, उससे नीचे की अगर मैं बात करूं तो अब वो शुरुआत होने वाली है। जी, आप अगर अच्छे से बता पाए दर्शकों को कि 1 तारीख से जिस तरह से बताया जा रहा है कि 18 तारीख के बाद से वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होगा, 1 तारीख से बाद से जो 18 साल से ज्यादा के लोग हैं जो भी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, हर किसी को मिलेगी वैक्सीन। लेकिन पारुल आप जरा दर्शकों को ये बताइए कि कई राज्य ऐसे हैं जो मुफ्त में वैक्सीन का दावा कर रहे हैं, चाहे वो यूपी की मैं बात करूं, चाहे वो बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्य हैं काजोल जो वैक्सीन मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। और देखिए वैक्सीन को लेकर आप बात कर रही थी कि 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन जो है लगाई जाएगी, तो उसके लिए देखिए आज सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 24 तारीख से यानी कि परसों से आप जो है रजिस्ट्रेशन वैक्सीन लगाने के लिए करा सकते हैं। क्योंकि देखिए 3-4 दिन पहले जब ये खबर आई थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 1 तारीख से 1 मई से लगाई जाएगी, उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो हैं वो ढूंढ रहे थे, वेबसाइट्स पर जा रहे थे, तमाम जगह ये सर्च कर रहे थे कैसे हम रजिस्ट्रेशन कराएं, कब से रजिस्ट्रेशन कराएं। इसको लेकर आज यही अपडेट है कि 24 तारीख से यानी कि परसों से शनिवार से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसके बाद 1 मई से जब भी आपको जो तारीख अलॉट की जाएगी, जो समय अलॉट किया जाएगा, उसके उस बिहाफ पे आप अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन देखिए इस सबके बीच एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है, सबसे ज्यादा जो अभी मारामारी चल रही है वो ऑक्सीजन को लेकर ही चल रही है, और लगातार हम भी ऑक्सीजन को लेकर ही बात करते हैं। बिल्कुल पारुल, और आप अपनी बात कंप्लीट करें उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हम पॉइंट टू पॉइंट, ये 4 पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट, इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। ऑक्सीजन पर पारुल बता रही है क्योंकि ऑक्सीजन की जो कमी है इस वक्त देश में दिखाई दे रही है। पारुल देखिए आप अभी बता रही थी और सभी जानते हैं कि उत्पादन तो बहुत ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन मिल नहीं पा रही है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आप बता पाएंगे अच्छे से? बिल्कुल, देखिए काजोल आपने सही सवाल किया, उत्पादन तो बहुत ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन का लेकिन मिल नहीं पा रही है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो हॉस्पिटल्स पहुंच रहे, किसी के घर पर ऑक्सीजन लगाई जा रही है, किसी को अस्पताल में मिल रही है। हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल के बाहर अगर एम्बुलेंस में भी मरीज है तो
वहां भी उसको ऑक्सीजन लगाई जा रही है। इसीलिए देखिए दिल्ली सरकार भी लगातार यही जानकारी देती आ रही है, यही ट्वीट करती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन जो है कुछ ही घंटों की बची है, यानी कि कुछ घंटे बाद अस्पतालों में जी तमाम अस्पतालों में और जी जहां पर नामी गिरामी अस्पताल बिल्कुल। और इसीलिए देखिए काजोल हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को ये कहा है कि आप लिस्ट बनाकर दीजिए जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। फिर और देखिए लगातार दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगा रही है बार बार के केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकती है लेकिन नहीं करा रही। हरियाणा हो यूपी हो वहां से जितनी ऑक्सीजन दिल्ली में आनी चाहिए उतनी नहीं आ पा रही है। देखिए सियासत भी कहीं ना कहीं सब पे चल रही है लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है सबसे बड़ी जो चीज निकलकर सामने आ रही है वो यही है किसी भी तरह हर इंसान को हर व्यक्ति को जिसे अभी के समय में ऑक्सीजन चाहिए उसे ऑक्सीजन किसी ना किसी तरह पहुंचाई जा सके। क्योंकि देखिए काजल चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो महाराष्ट्र हो हर जगह हम तस्वीरें ऐसी देख रहे हैं कि अस्पतालों में मरीज हैं और मरीजों के जो लोग हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं ऑक्सीजन के लिए जो बताए भी नहीं जा सकते क्योंकि सामने हमारे सहयोगी हैं काविंद्र वो ग्राउंड जीरो पर गए थे उन्होंने देखा था दृश्य ऐसा दर्दनाक था कि वो बयां करना भी मुश्किल हो सकता है शायद आप लोगों के लिए। आपने पारुल वैक्सीनेशन को बहुत अच्छे समझा दिया कि वैक्सीनेशन किस तरह से हो रही है, मैंने भी समझा दिया वैक्सीनेशन और दवाओं की सप्लाई पर पारुल जरूर बात हम करना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 5 मिनट इस पे बात की थी कि दवाइयों की सप्लाई कैसे हो रही है, दवाइयों का उत्पादन कैसे होगा, इसे आप अच्छी तरह से समझा पाएंगे। बिल्कुल काजोल देखिए लगातार कहा तो जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि दवाइयों में कोई कमी नहीं है, सप्लाई बहुत अच्छे से हो रही है लेकिन देखिए अभी जो समस्या सबसे बड़ी सामने आ रही है वो यही आ रही है कि ऑक्सीजन भी नहीं है साथ के साथ दवाइयों की भी बहुत ज्यादा कमी जो है वो अस्पतालों में या फिर केमिस्ट की दुकानों पर दिखती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए मरीज बहुत ज्यादा हैं ऐसे में और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको दवाइयां मिल भी नहीं पा रही है, जो लोग दवाई लेना चाहते हैं किसी भी तरह के चाहे अस्पताल हो चाहे कोई घर पे मरीज हो या कहीं भी हो दवाई लेना चाहते हैं लेकिन दवाई की क्योंकि देखिए काजोल आमतौर पर कोई भी महामारी होती है कोई भी समस्या होती है सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आती है वो ये आती है कालाबाजारी, हर चीज की सबसे पहले कालाबाजारी शुरू हो जाती है। और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ये भी है कि दवाइयों को लेकर हो ऑक्सीजन को लेकर हो सबसे ज्यादा इन चीजों की कालाबाजारी भी हो रही है। देख रहे हैं कि चाहे वो नोएडा की हम बात कर ले, दिल्ली में कई इलाकों की हम बात कर ले, जो इंजेक्शन ऐसे हैं जो 400-500 रुपए में आसानी से अवेलेबल होते हैं वो 40-50 हजार में बिक रहे हैं। नोएडा से ऐसे तमाम मामले सामने आए। वैक्सीनेशन पर पारुल आपने बात की है, वैक्सीनेशन पर इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि कल ऐसी अपडेट आई थी कि जो वैक्सीन है कोविड शील्ड कोवैक्सीन ये दो वैक्सीन है जो देश के पास है इन दोनों की जो रेट है वो निर्धारित हो चुके हैं कि इन रेट पे ये वैक्सीन अब आपको लगेगी और आपको इतने पे करने पड़ेंगे। लेकिन दो या तीन राज्य या चार राज्य की मैं बात करूं ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे। तो ऐसे में अगर लॉकडाउन की मैं बात करूं पारुल क्योंकि अगला जो सुप्रीम कोर्ट का वो कहा है उन्होंने चार जो अपनी मांग बातें रखी है चार जो सवाल रखे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें चौथा सवाल यही है कि लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो कोर्ट को नहीं। लॉकडाउन का अर्थ कि पूरी तरह से सब कुछ बंद हो जाए जिंदगी थम जाए जैसे कि हमने 2020 में देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लॉकडाउन को राज्य सरकारें अंतिम विकल्प समझे, जब स्थिति ऐसी हो जाए कि कुछ ना बचे तब जाकर आप लॉकडाउन लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि इसका अधिकार राज्य को क्यों नहीं हो, कोर्ट को क्यों हो, केंद्र सरकार को क्यों ना हो, ऐसी तमाम चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं। वैक्सीन और लॉकडाउन का बहुत गहरा संबंध है पारुल क्योंकि अभी मैंने कहा कि कुछ राज्य ऐसे कह रहे हैं कि वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, इतने करोड़ों लोग हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूपी को ले लेती हूँ, 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, अगर आप हर किसी को मुफ्त में वैक्सीन देते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैक्सीनेशन वहां पर नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है सरकार की तरफ से बुजुर्गों को और 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन मिल चुकी है, लेकिन अभी दूसरी डोज जो है वो कुछ लोगों की बाकी है और बाकी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो तो सभी बाकी हैं, बच्चे भी सभी बाकी हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को भी हमें ध्यान में रखना है, किसी भी गरीब को इतना आहत नहीं होने देंगे हम कि वो रोए या फिर उसके आंसू हम देखें, लेकिन अभी भी गरीब रो रहा है क्योंकि उन्हें उनके जब अपने
अस्पताल में है तो उन्हें अस्पताल में सुविधा नहीं मिल पा रही है, अपनों के अपने सामने अपनों को दम तोड़ता हुआ हम देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि मुफ्त में वैक्सीन तो आप दे रहे हैं लेकिन इसका खर्चा आखिर कौन उठाएगा? क्या राज्य सरकार उठाएगी, क्या राज्य सरकार टैक्स देगी? ये तमाम सवाल है जो आम जनता को समझने जरूरी है। तो पारुल, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप फ्री में वैक्सीन तो दे रहे हैं और दूसरे राज्यों में ऐसा है कि आपको पे करना पड़ेगा, तो आम जनता का यहाँ क्या फायदा है और क्या नुकसान है? देखिए काजोल, आम जनता का फायदा ये हो सकता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग नहीं लगवा सकते, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर फ्री में राज्य सरकारें वैक्सीन लगवाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, राज्य सरकारों को फ्री में वैक्सीन देने से पहले सबसे पहले ध्यान उन चीजों पर देना चाहिए जिसके लिए जनता अभी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए वैक्सीन हमें आगे तक लगती रहेगी हमारे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है मूलभूत सुविधा, यानी कि अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार को सबसे पहले। डिमांड पारुल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है जी, आप भी लगातार कह रही हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, आप लगातार इस पर खबरें देख रही हैं, आप बना भी रही हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचा भी रही हैं, तो ऑक्सीजन फिलहाल जरूरी है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वैक्सीन हम फ्री में लोगों को देने की बात कर रहे हैं पहले हम ऑक्सीजन का इंतजाम करवाएं? वही सुविधा जो है अस्पतालों में वो सबसे पहले सही करने की जरूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड्स की कमी हो, या फिर दवाइयों की कमी हो, या फिर और भी कुछ सुविधाएं जो है जिन चीजों में कमी है सबसे पहले उन्हें सुधारने की जरूरत है। देखिए वैक्सीन फ्री में देना या ना देना ये एक अभी अहम मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा अहम बात ये है कि लोगों की किस तरह से जान बचाए। क्योंकि देखिए अभी से थोड़ी देर पहले की बात करूं तो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने यह कह दिया है कि ऑक्सीजन अगर दिल्ली में नहीं मिली, सही समय से नहीं पहुंची तो लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए स्थिति इसी से साफ नजर आती है कि पैनिक की सिचुएशन बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति बहुत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, लोग सड़कों पर तड़प रहे हैं इलाज के लिए, डॉक्टर तक उनके पास नहीं आ रहा, उनकी समस्या जानने के लिए के पास तक डॉक्टर नहीं आ रहा, और जो लोग अस्पतालों के बाहर पहुंच जाते हैं वो अंदर नहीं पहुंच पाते। जो अंदर हैं ऐसे में देखिए आप लगातार बता रही हैं, ऐसे में कुछ राहत भरी खबरें तो आती हैं लेकिन उसके बाद फिर टेंशन भरी खबर आ जाती है, वो ये कि बीते 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये ऐतिहासिक है पारुल, रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में जनवरी में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन अब भारत में 3 लाख उससे भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तब जब तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, तमाम राज्यों में लॉकडाउन है, तमाम राज्यों में मिनी लॉकडाउन है, तब जाकर मामले सामने आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर स्थिति हम पूरी चीजें खोल देते हैं, जिंदगी को पटरी पर एकदम से ला देते हैं तो क्या हाल हो सकता है। ऐसे में लॉकडाउन से बचने की लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है लेकिन इसके पीछे भी तमाम वजह, देखिए वो अलग मुद्दा है, उस पर हम भी नहीं जाएंगे। इसके बाद पारुल ये तो हो गई वो 4 सवाल जो केंद्र से पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंफ्यूजन और डायवर्जन की स्थिति है लोगों के बीच में। बिल्कुल, इससे पारुल हम क्या समझ सकते हैं, कंफ्यूजन और डायवर्जन दर्शकों को कैसे समझा सकते हैं? देखिए बिल्कुल काजोल, क्योंकि हर किसी के मन में अभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर, चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस को लेकर हो, चाहे वो अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे वो दवाओं को लेकर हो, हर चीज को लेकर जो है लोगों के मन में कंफ्यूजन है। क्योंकि देखिए एक मैं इसी से आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लखनऊ में के कई अस्पतालों में ऐसे नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं कि अगर आप ऑक्सीजन साथ लेकर आएंगे तभी आपके मरीज को भर्ती कराया जाएगा। तो देखिए एक तो पहले से ही बेड्स की कमी है अस्पतालों में। ये कहना चाह रही हैं कि ऑक्सीजन हमें आम जनता को खुद से खरीदना है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सिलेंडर खरीदना है ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन अगर आप लेके जाएंगे अस्पताल में तभी आपका मरीज जो है वहां पर एडमिट हो पाएगा। और इसीलिए देखिए जहां पर अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तो परिजन उनके सिलेंडर उठाकर ले जा रहे हैं मार्केट में, लाइनों में खड़े होकर भरवाने के लिए कई घंटे लाइन में खड़े हैं, और अगर उनका नंबर आने तो ऑक्सीजन मिल पाती है तो भरवा के अपने पेशेंट को लगा पाते हैं, नहीं मिल पाती तो उनको ऐसे ही दम तोड़ देता है। बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं जो कि दयनीय है बहुत ज्यादा। आंखें भरना तो बहुत दूर की बात है, हम ऐसे दृश्य दिखा भी नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पर ये तो हो गई कंफ्यूजन और डायवर्जन की बातें। डायवर्जन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कभी हम लॉकडाउन कर देते हैं, कभी हम नाइट कर्फ्यू कर देते हैं, कभी हम वीकेंड कर्फ्यू कर देते हैं, कभी हम रात का कर्फ्यू कर देते हैं। बिल्कुल, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्या चीजें खुली हैं, क्या चीजें बंद है, इसीलिए लोगों के मन में कंफ्यूजन है। इसी वजह से भगदड़ मच जाती है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में लॉकडाउन लगाया केजरीवाल सरकार ने, उसके बाद रात में हम ऐसी भयावह तस्वीर थी
वो लग रहा था कि अगर ये इतनी पैनिक सिचुएशन है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग अगर कहीं जाएंगे तो आप सोचिए कि ये जो वायरस है कितनी तेजी के साथ स्प्रेड होगा, और हो भी वैसा ही रहा है। इसी वजह से मामले लगा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो काजोल ये है कि जब पिछले साल देश में 1000 की संख्या में केस आ रहे थे तब लॉकडाउन लगा दिया गया था, पूरा देश बंद था। आज जब 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं तो देखा जाए आमतौर पर सब चीजें खुली ही है, हालांकि पाबंदियां जरूर लगी है लेकिन चीजें खुली है, पूरा देश जो है खुला हुआ है। क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि अर्थव्यवस्था भी बनी रहे, आम जनता के पास नौकरी पेशा भी रहे, पैसा बिल्कुल भी काजोल पर देखिए बिजनेस के साथ जिंदगी चलती रहे, लेकिन ऐसा होता हुआ पारुल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अब मामले बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। क्योंकि लॉकडाउन की जरूरत है, देखिए हम तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है, एक तबका कह रहा है कि लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है पारुल जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर मैं इसलिए कह रही हूँ, वो तबका है निम्न तबका जो कि गरीबों में आता है, जो कि मजदूर है, जो कि रोजाना दिहाड़ी मजदूर, जो कि रोजाना देखिए वो तो अभी भी परेशान है, लेकिन काजोल चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो दिल्ली में हो, वो लोग तो अभी भी परेशान है क्योंकि बिल्कुल वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू, तमाम चीजें हैं जो लगातार देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अभी भी असमंजस की स्थिति है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंफ्यूजन और डाइवर्जन की स्थिति है जिसे क्लियर करना जरूरी है ताकि आम जनता समझ सके कि आखिर देश में क्या हो रहा है। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की मैं बात करूं, बॉम्बे हाईकोर्ट, सिक्किम हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और ओडिशा हाईकोर्ट, ये सभी ऐसे हैं जिनमें कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें कह रही हैं कि लॉकडाउन लगे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हाईकोर्ट ऐसे कह रहे हैं कि आप अपने राज्य में लॉकडाउन लगाइए, लेकिन सरकारें नहीं मान रही हैं। तो ऐसे असमंजस में कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो एक पीछे छोटी या बड़ी या गुपचुप तरीके से राजनीति जरूर हो रही है, और राजनीति के चक्कर में आम जनता कहीं ना कहीं मरती हुई नजर आ रही है। देखिए सीजीआई ऐसे बोबड़े कहते हैं कि हम राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करने की शक्ति रखना चाहते हैं। राज्य सरकारें, यहाँ गौर करिएगा पारुल, राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करना चाहते हैं और न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से ये भी कहा, ये पूछा और कहा कि क्या वो हाईकोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगाएगी। हाईकोर्ट पर कार्रवाई पर रोक, क्योंकि हाईकोर्ट कह रहा है कि आप लगाइए, हाईकोर्ट कह रहा है कि आप मत लगाइए, ये हाईकोर्ट अपने तरीके से कर रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है, ऐसे बोबड़े कहते हैं कि हम राज्य सरकार के पास लॉकडाउन की लगाने की घोषणा की बिल्कुल। और काजोल इससे पहले केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों पर फैसला छोड़ चुकी है, केंद्र सरकार भी साफ तौर पर ये कह चुकी है राज्य सरकार का पूरी तरह से फैसला होगा अगर वो अपने राज्य में लॉकडाउन लगाना चाहती है या नहीं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बचना चाहिए, अंतिम विकल्प समझना चाहिए जी। इससे हम क्या समझें, हाईकोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, केंद्र सरकार आगे पीछे क्यों हट रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, क्या आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश हो रही है। देखिए अर्थव्यवस्था की बात, पिछले साल जब 2020 की मैं बात करूं तब ये कहा गया था कि अर्थव्यवस्था को हम फिर से पटरी पर लेकर आएंगे, उसके बाद एक ट्रेंड चल गया था आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन भारत अब तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, ये साफ कर दिया है। ये खोखली जो चीजें थी ना वो साफ हो गई है कि आपने क्या तैयारी की है इस बिल्कुल एक साल हो गया है, हम अस्पतालों में क्या व्यवस्था की आपने। बिल्कुल काजोल, पिछले एक साल की बात करूं तो एक साल में तैयारी तो छोड़िए, हम पिछले साल से और ज्यादा माइनस में चले गए हैं, क्योंकि स्थिति जो है पिछले साल इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी इतने साल खराब हो, इस साल खराब हो गई है, इसीलिए हम और ज्यादा पीछे जो है चले गए। आर्थिक व्यवस्था को देख के आप छोड़िए, लेकिन अस्पतालों की बात करूं तो पिछले साल से हालात जो है बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए आने वाले समय में अब आगे क्या केंद्र सरकार कदम उठाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।